Hello students, today I will discuss the science of 7th class. So in 7th class science, I am teaching you third lesson. In third lesson, topic is that dyeing. Okay? हम बता रहे थे बूल कैसे तैयार होता है. तो नेक्स्ट उसका स्टेप है डाइंग. डाइंग क्या होता है? डाइंग का मतलब होता है रंगना. पहले आपने क्या है उसकी हेयर को ले लिया, उसके बाद में उसकी स्कोरिंग कर ली, उसके बाद सॉर्टिंग कर ली. सॉर्टिंग के बाद में फोर्थ वन है डाइंग. डाइंग कैसे की जाती है? रंगना. जो भी अब आपको फाइबर्स प्राप्त हुए हैं सॉर्ट आउट करने के बाद में, जो भी आपने हीप बनाए थे, जो भी बल्क बनाए थे, उनको डाई करना. ठीक है, देखिए डाइंग प्रोसेस होती है रंगना. डाइंग का मतलब होता है रंगाई. द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स. जो भी फाइबर्स हम प्राप्त करते हैं उनको वेरियस कलर विभिन्न तरह के रंगों में रंगते हैं. जो भी फाइबर्स हम ऊन बनाने के लिए तैयार करते हैं उनको विभिन्न तरह के कलर्स में जो है ना वो डाई करते हैं. और कौन से कलर में? अकॉर्डिंग टू डिक्टेट्स ऑफ फैशन एंड डिमांड्स. डिक्टेट्स एंड ऑफ फैशन एंड डिमांड्स. फैशन और डिमांड के हिसाब से हम उनको कलर करते हैं. ठीक, डिक्टेट्स का मतलब होता है जिस तरह की बातें होती हैं, है ना. फैशन जिस तरह का चल रहा होता है, जिस तरह की डिमांड होती है, उस तरह की हम क्या करते हैं उन फाइबर्स की रंगाई करते हैं, कलर करते हैं. ओके, क्या बताया? द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स. फाइबर को विभिन्न तरह के रंगों में रंगा जाता है. और इसके बाद में कौन से रंग में? अकॉर्डिंग टू डिक्टेट्स ऑफ फैशन एंड डिमांड. फैशन एंड डिमांड के बेस पर, जिस तरह का फैशन होता है, जिस तरह की डिमांड चल रही होती है, उस बेस पर हम उनको डाई कर लेते हैं. ओके, अब हो गया डाइंग. यू हैव कंप्लीटेड योर फोर स्टेप्स. फिफ्थ स्टेप इज वीविंग एंड निटिंग. वीविंग एंड निटिंग का मतलब होता है बुनाई और बुनाई. बुनाई और बुनाई. आप क्या करेंगे जब फोर्थ फिफ्थ स्टेप में आ जाते हैं? बुनाई और बुराई करना. हमको फाइबर्स कंप्लीट फाइबर तैयार मिल गया. हमको कंप्लीट फाइबर हमारे पास आ गया. ठीक, कलर्ड फाइबर. आप क्या करेंगे? और उसको प्रोसेस के लिए तैयार है वो वीविंग एंड निटिंग, बुनाई के लिए. द वूलन फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड बाय पुटिंग देम थ्रू रोलर्स. उसको क्या करता है? रोलर के द्वारा जो है ना उसको स्ट्रेटेड कर लेते हैं, सीधा कर लिया जाता है. ठीक है, द वूलन फाइबर्स आर स्ट्रेटेड उसको सीधा कर लिया जाता है बाय पुटिंग देम रोलर की हेल्प से. एक रोलर होता है जिसकी हेल्प से उस फाइबर को सीधा कर लिया जाता है. इसके बाद में विच आर देन स्ट्रेस्ड एंड ट्विस्ट इनटू यार्न्स. और इसके बाद में उसको ट्विस्ट धागों में मोड़ लिया जाता है. ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया? ट्विस्ट इनटू यार्न्स, उसको धागों में मोड़ लिया जाता है, उसको खींचकर धागे में मोड़ लिया जाता है. दीज यार्न्स आर बाउंड टू फॉर्म बॉल्स. दीज यार्न आर बाउंड टू फॉर्म बॉल्स. अब ये यार्न के बॉल बना लिए जाते हैं, गुल्ले टाइप के बना लिए जाते हैं. यार्न के क्या बना लिए जाते हैं? गुल्ले बना लिए जाते हैं. बॉल्स ऑफ बूल्स यूज फॉर निटिंग और वीविंग वूल एंड क्लोथ्स. अब इन गुल्लों से क्या किया जाता है, जो बनाए जाते हैं, इनको यूज किया जाता है किसके लिए? निटिंग और वीविंग. दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, क्योंकि निटिंग का मतलब और निटिंग और वीविंग और लगा है, इसका मतलब दोनों का मतलब सेम होता है. अब इनको वीविंग या निटिंग के लिए यूज किया जाता है. किनको? वो जो बॉल्स बनाए गए हैं उनको यूज किया जाता है. उनको यूज किया जाता है किसके लिए? निटिंग के लिए या वीविंग के लिए. बोथ आर सेम्स. तो ये था फोर्थ स्टेप डाइंग, जिसमें क्या था, फाइबर्स जो हमको प्राप्त हुए तो उन फाइबर को हमने कलर कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कलर कर लिया. और डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कलर करने के बाद में अकॉर्डिंग टू फैशन एंड डिमांड फैशन और डिमांड की हेल्प की डिमांड फैशन और डिमांड जैसे होती है उसी हिसाब से हमने उनको कलर कर लिया. इसके बाद में फिर हमने एक रोलर की हेल्प से उसको स्ट्रेट किया, सीधा किया. और सीधा करने के बाद में फिर उसको ट्विस्ट कर लिया. और ट्विस्ट करने के बाद में उसके हमने क्या किया, उसकी बॉल्स बना ली, गुल्ले बना लिए. अब इन बॉल्स को क्या करते हैं? इन बॉल्स को यूज़ करते हैं किसके लिए? वूल बॉल्स को यूज़ करते हैं निटिंग और वीविंग के लिए. निटिंग के लिए और या फिर वीविंग के लिए, बुनने के लिए या बुनाई, एक ही मतलब होता है. ओके, सो दिस इज द डाइंग एंड वीविंग. ओके, इनफ फॉर टुडे. थैंक यू.